तो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारयां दा तुहाडी अपनी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब ते स्वागत है। अज गल करांगे जो गल आपां कल शुरू कीती सी सचिन बिश्नोई दे मानसा पुलिस नूं दित्ते बयान विच बहुत सारियां गल्लां ते उहनां दे पिछे छुपे हुए माने जिहनूं अंग्रेजी च हिडन मीनिंग कहिंदे आ उह सामणे आ रिहा। एक अंग्रेजी की कहावत है दैट्स नॉट द ट्रूथ विच मीट्स द आई। सच्चाई सिर्फ वो नहीं होंगी जिहड़ी तुहानूं अखां दे सामने दिखाई दे रही है। देर इज मच मोर बिहाइंड, उहदे पिछे होर बहुत कुछ हुंदा। इसे तरह सचिन बिश्नोई की इस स्टेटमेंट के पिछे भी बहुत सारे हिडन मीनिंग ने, खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला के कतल नाल तुअलक जो दे बयान या बयानात उन्हें दिते ने वह बहुत चौंका देने वाले। तो जे तुसी उन्हां दे पिछोकड़ वल जावो कि यह नौबत आई क्यों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू मूसेवाला नूं प्रोग्रामां ते जाण लई क्यों रोक रहा सी। गल सिर्फ भागो माजरे के कबड्डी मैच की नहीं है, उस तो 5 दिन पहला जिहड़ा कबड्डी मैच नवें शहर च हो रहा सी उहदी गल भी तुहानू करनी पएगी। नवें शहर च एक ग्रुप ने कबड्डी का मैच ऑर्गेनाइज किया ITI ग्राउंड विच, लेकिन जिहड़ा उस ग्रुप के ओपोजिट ग्रुप सी उन्होंने हो हल्ला कर दिता कि इहदे च स्कूलों के एग्जाम हो रहे आ, गैंगवार होने का असर है, गोली चलेगी, बच्चों नूं परेशान होगी होएगी, लाउड स्पीकर चलेगा, किसी एडूकेशनल इंस्टीट्यूशन दे विच इहो जिहे मैच नहीं रखे जा सकते। उन्हों लैके एक ग्रुप ने जिहड़ा उस ग्रुप के ओपोजिट ग्रुप से वह अमेरिका के NRI सीगे, उन्होंने उदरात USA ग्रुप उन्होंने हाई कोर्ट मूव किया, अपने किया अपने बंदिया तो कराता, वो एक दो कोई NGOs भी खड़ा करके हाई कोर्ट च रिट कराती। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह अर्जियां दे दियां और उन्होंने बैकिंग सी उस वेले कांग्रेस के MLA अंगद सैनी की। हुण जरा ध्यान नाल इस घटनाक्रम को समझण की कोशिश करो। इन्होंने पूरा प्रेशर पा के हाई कोर्ट ने दसता कि ऑलरेडी हाई कोर्ट दी इंस्ट्रक्शन ने कि इन दिनों फरवरी और मार्च में स्कूलों के एडुकेशन इंस्टीट्यूशन के नेड़े तेड़े लाउड स्पीकर नहीं बज सकता क्योंकि उहदे नाल बच्चों की पढ़ाई में खलल पैंदा। उस इशू नूं लैके वो टूरनामेंट कैंसल करवाता और मजे की गल देखो दूसरे ही दिन उसे दिन जो ये कैंसल होता थोड़े दिन पहला टूरनामेंट होने तो ये कोई 16-17 फरवरी 2020 की गल है। भागो मारे का टूरनामेंट 24 फरवरी नूं होया सी 2020, उस तो 5-6 दिन पहला इन्होंने वो टूरनामेंट टुकाता। उस तो अगले दिन ही USA क्लब जिन्हां नूं कांग्रेस MLA अंगद सैनी की सरप्रस्ती सी उन्होंने अपना टूरनामेंट अनाउंस करता, जिहड़ी डेट का कैंसल होया तो उस तो अगले दिन का नेड़े किसी होर जगह पर उन्होंने ये टूरनामेंट अरेंज कर लिया। हुण देखो एक दिन पहला टूरनामेंट कैंसल हुंदा, दूसरे दिन दूसरे की अनाउंसमेंट हो जाती है। हुण पहला ग्रुप जिहड़ा सी उह तैश विच आ गया, जिहड़े पोस्टर लाए गए USA अमेरिकन NRI दे ग्रुप वालों, मतलब अंगद सैनी MLA दे ग्रुप वालों, उहदे चों 7 बंदे जिहड़े सी उह कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ते सीगे, उन्हां दे खिलाफ केस दर्ज सी जिहनां च मर्डर अटैम्प्ट टू मर्डर इस किस्म दे। उहनूं बेस लै के होर NGOs उन्हां तों इलावा जिहड़ियां पहलां इनवॉल्व सी उन्होंने फिर हाई कोर्ट मूव करता, नाल चीफ मिनिस्टर चिट्ठियां कि जी इत्थे तां क्रिमिनल इनवॉल्व ने, गोली चलण का डर है, सिद्धू मूसेवाला आ रहा है। मेन मुद्दा वो सी
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਤਾ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 11-12 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਘਟੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਦਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੋਗ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰ ਰੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਦਖਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਲਾਰਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸਧਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡੇ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਸੇ NRI ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੁਕਾਉਣ ਲਈ DC ਨੂੰ, SSP ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਲਈ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਕਿ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਗਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ
वो नहीं मिलने। तो ये एक 10-11 इंसीडेंट ऐसे हो चुके से जिथे कोशिश की गई थी कि सिद्धू नूं रोकिया जाए, ये शो ना हो, मतलब उ मैं पहला दसिया सिद्धू के शो नहीं हो गए तो दूजिया के हो गए, फिर सैकंड चॉइस आ जाते हैं, तुम पता सैकंड चॉइस थर्ड चॉइस कि लोग ने किड़े कि जिते सिद्धू ना जाए उत्थे किना नूं सद्या जा सकता वह भी तुहानूं सारे नूं पता। टूरनामेंट वालिया ने तो किसी ना किसी नूं सद्दना ही हुंदा, तो हमेशा कोशिश हुंदी है कि फस्ट चॉइस, वो नहीं अवेलेबल तो सैकंड चॉइस, वो नहीं तो फिर थर्ड चॉइस। तो ये दोस्तों हुण हौली हौली गल्लां निगर के सामने आ रहे, वो प्रोग्राम गोलियां चलियां, एस एस पी ने डीसी ने परमिशन कैंसल करके वो टूरनामेंट रद्द करा। उस तो बाद भागो माजरे का टूरनामेंट 24 तरीक न होना, 22 तरीक न हाई कोर्ट में फिर एक रिट पा दी जाती है कि वो नवे शहर की एग्जाम्पल दे के कि देखो जी उत्थे असी क्या सी कि खून खराबा हो सकता, बच्चों को तकलीफ हो सकती है और उत्थे खून खराबा हो गया, गोलियां चल गई, असी नहीं चाहते कि भागो माजरे हो गए जा सीन फिर रीक्रिएट हो गए। उदों सिद्धू मूसेवाला नूं मारन की कोई गल नहीं सी, मैं गल क्लीयर कर देनी चाहुंदा, मसला सिर्फ सिद्धू नूं थले लाउण दा सी, पर उह लग्गिया नहीं। इत्थे वी उही होया, हाई कोर्ट च रिट होई कि बच्चों के एग्जाम लाउड स्कैपन नहीं चलेगा, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे नेड़े टूरनामेंट नहीं होगा, पर लोकल ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि असी पिंडों बार बार खेतों प्रोग्राम कर रहे हैं तो उत्थे किसी नूं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगी। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कैफीडेटर देता हाई कोर्ट च कि असी इन्हां नूं लाउड स्पीकर लाउण की परमिशन नहीं दित्ती, तो इस करके आवाज़ कित बाहर नहीं जाएगी, खेतों कर रहा तो कबड्डी का टूरनामेंट होन दो। इत्थे आके मसला फसदा सी, जदों कबड्डी का टूरनामेंट रोकण च नाकामयाब हो गए लोग, फिर सिद्धू मूसेवाले नूं फोन किया गया कि तू उत्थे नहीं जाना। हुण तुसीं आप सोच के देखो कि लॉरेंस बिश्नोई और उहदे गैंगस्टर का की मकसद हो सकता है कि सिद्धू मूसेवाला नूं कबड्डी टूरनामेंट ना जाण देण। बहाना ये लाया गया कि ये जिहड़ा टूरनामेंट है भागो माजरे का, ये लक्की पटियाल ने स्पोंसर किया, असीं तुहानूं वो पोस्टर दिखाउने आ इस स्टोरी दे नाल। मैं अपने एडिटर साहब नूं कहूँगा कि उस समय का एक पुराना अखबार लभ्या तो लोकल भागो माजरा मेरे घर के नेड़े ही है, वॉकिंग डिस्टेंस आ, मैं कुछ जान पछाण के लोगों का सोर्स कट के ऑर्गेनाइजर का पता किया, उस पोस्टर से जोड़े लोगों की फोटो है उन्हों का पिछोकड़ जाने, एक एक दिन का एक एक बंदे का, किसी भी बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सारे इज्जतदार रिस्पैक्टेबल सिटीजन ने भागो माजरे के। और उस पोस्टर ते किते लक्की पटियाल की तस्वीर नहीं है, ना उदा किते नाम है, ना ही पूरे टूरनामेंट किते उदा जिक्र किया गया, ना उदा कोई थैंक्स किया गया, हालांकि दर्जना लोकां दा धन्नवाद किया गया कि इन्होंने साडा टूरनामेंट कामयाब करन विच साडी मदद की, सानू सलाह दित्ती, अपना योगदान पाया, लेकिन लक्की पटियाल का किते ना नहीं आया। क्या ये गया कि जिहड़ा मेन ऑर्गेनाइजर से मुंडा एक जंग जोधा सिंह, उहदा वड्डा भरा अमरीका च रहिंदा कई सालों तो, वो वड्डे भरा ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, बाकी लोगों ने आप इकट्ठा किया, वह किते लक्की पटियाल नूं जाणदा सी, चंडीगढ़ के नेड़े तेड़े लक्की पटियाल का पिंड भी चंडीगढ़ के नेड़े, भागो माजरा भी चंडीगढ़ के नेड़े, कितने स्कूल कॉलेज पढ़ते होने पुराने जानते होने, स्टूडेंट लीडर चो मुंडा जो अमरीका गया वह भी विद्यार्थी लीडर से, लक्की पटियाल भी विद्यार्थी लीडर से, अकाली दल नाल तअल्लुक सी सारिआं दा,
अफवाह फैला दिती गई कि ये लक्की पटियाल टूरनामेंट करा रहा। यदा हूँ सचिन बिश्नोई ने जरा अपना बयान दिता कि असी अजमेर जेल से उदों मामा कहना मामा लारेंस मामा अजमेर की हाई स्कूल की जेल से और पहली हैरानी की गल देखो बयान च लिखा हाई सिक्योरिटी प्रिजन जेल। हाई सिक्योरिटी जेल च बैठ के सचिन बिश्नोई फोन का इस्तेमाल कर रहा फरवरी 2020 वो फोन करके सिद्धू मूसेवाला कहता कि तू इस टूरनामेंट नहीं जाना। सिद्धू ऑलरेडी घरों निकल चुका से। मैं कल दे एपीसोड तुम दसिया कि मेरी चमकौर सिंह ना गल हुई उन्होंने ताया जी ना उन्होंने दसिया वो कहना मैं घरों निकल गया तो मैं कोई गाला गाउन नहीं जा रहा। मैंने तो उन्होंने गैसट ऑफ ऑनर करके बुलाया इस करके मैं जा रहा। मैंने एक ट्रैक्टर उन्होंने भेट करना प्यार नाल। मैं तो निका जहा भाषण ही देना बस लोगों चार गल कर मैं कोई गाना नहीं गा रहा। कहते नहीं तू उ जाना ही नहीं। मतलब सिद्धू मूसेवाला की मकबूलीयत तो इन्हों डर लगता से और खास तौर पर उदो जदों सिद्धू मूसेवाला थोड़ा थोड़ा अपना पुराना ट्रैक चेंज करके लोगों दल कर लग गया से पंजाब दल कर लग गया से गुरुआ दल कर लग गया से कुछ समाज सुधार दल कर लग गया से उदों जदों मुंडिया ने सुनेहा दिता सी कि बाहर ना जाओ इतने अपनी खेती कर लो खुद खेती करने तैयारमंद हो गया से। तो उदों जदों वो अपनी चरमशील एट द पिनाकल ऑफ हिज कैरियर मौत ऊंचाई से पहुँच चुका सी और बाकी सारे वो सामने बौने लगन लग गए थे। उन्होंने अंतर आत्मा कितने ठेस लगी कि मूसा पिंड का छोटा जिहा किसान ना तो हीरो लगता तो ना कोई सिंगर लगता ये कितों इन्ना कामयाब हो गया हजम नहीं सी हो रहा लोगों सारिया के पैसे कमाउण का जिहड़ा गला हुंदा वो गले च हड्डी बनया होया। इस करके ये माफिया म्यूजिक माफिया। दूसरा जो सिद्धू ने उन्हें किसी नूं अपने गाणियां दे राइट नहीं बेचे उन्हें अपना यूट्यूब ते डायरेक्ट पाने शुरू करते किसी म्यूजिक कंपनी नाल कंट्रैक्ट नहीं किया। वो सब तो वड्डी तकलीफ सी म्यूजिक माफिया उस किस्म की तकलीफ जिहो जी तकलीफ मुंबई दे म्यूजिक माफिया नूं गुलशन कुमार नाल सी। गुलशन कुमार ने किसी की परवाह नहीं की उन्हें अपने तरीके नाल नवे किस्म की कंपनी बनाई और सब तो ज़्यादा पैसे कमाउंदा सी। वह मुंबई की म्यूजिक माफिया हाजिम नहीं होया। दाऊद इब्राहिम के गैंग नूं कह के पैसे दे के ठेका दे के उहदा कतल करवा दिता। बिल्कुल उस तरह पंजाबी म्यूजिक माफिया ने जो अजे तक सामने क्यों नहीं आ रहे मैंने समझ नहीं आ रही जहाँ तो उधर कुछ तुरया नहीं क्योंकि जिन्हों लोगों ने सवाल करना वो बहुत सारे पहुँचे हुए बंदे ने बड़ी बड़ी पहुँच है उन्होंने उन्होंने चज ना गल नहीं अज तक कर सकी प्लीज। इस करके कहते हैं कि कानून वड्या का हों छोटा का नहीं तो वो माफिया कि बर्दाश्त नहीं थी। इस करके सिद्धू मूसेवाला थां दिखाई चाहते सी कि तू छोटा किसान है छोटा ही रह साढ़े बराबर खड़े होने की हिम्मत ना करो। वो तो कि अगे निकल गया से। फिर वो जी सोच बदलती सोच सी वो तो डरे कि दो कारण से सिद्धू मूसेवाले मारन दे कि जी नवी सोच लैके चल रहा ये कितने पंजाब का लीडर ही ना बन जाए वड्डा कि लोगों का हजूम वो पिछे ना लग जाए। ये तो अपना ट्रैक बदल लग गया ग्लैमर आलिया गल् छड़ के तो सोशल रिस्पोंसिबिलिटी दल कर लग गया ये नवा डर पैदा हो गया। फिर पोलीटिकल माफिया नाल अटैच हो जाता कि कल कित साढ़े लिए खतरा ना बन जाए। इस करके उन्होंने भी नाल हथ बटा लिया कि इनू थले ही रखो अगे ना बदन दौ। सो दोस्तों ये बहुत व्डा एक क्रिमिनल नैक्सस है। उस नैक्सस ने सिद्धू मूसेवाला मरवाया
और यदि जांच होनी चाहिए है तरीके नाल हो क्यों नहीं रही ये समझ नहीं आ रहा। तो जी इन गलों तो बाद भी पुलिस ये समझती है कि गैंग गैंगस्टरवाद का हिस्सा सी ये मबीहा गैंग का आदमी सी इन्हें मिंडूखेड़ा मरवाण ये पीए की सैक्रेटरी सोकाल जरा डिनाई करता मैं तो कदे तो सैक्रेटरी है ही नहीं सी उदा नाल नाल जोड़ लिया भी रैकी की तो मेरे दोस्तों जिन्होंने मारना वो एक सैकटरी तो रैकी कराने और सैकटरी इन्ना कमला होगा कि जल्द पता है कि मैं की कर जा रहा मैं सही काम कर रहा गलत काम कर वो अनपढ़ बंदा तो है नहीं सियाणा माणा आदमी है योजा रिस्क क्यों लूगा। लेकिन एक नैरेटिव क्रिएट कर दिता गया सिद्धू नू हर पास्यों बदनाम करने की कोशिश की गई और यह सब तो सौखा तरीका हों कि क्रिमीनलों नाल सांठ गांठ करन दा इल्जाम ला दे बंदा बदनाम हो जाता। उदों बाद पुलिस वाले पॉलिटिशियन अफसर ब्यूरोक्रेसी उस बंदे तो थोड़ी दूर रहन लग जाती है जिहदे नाल नाल इहो जिहे इल्जाम लग जाण। मतलब चारे पास्यों सिद्धू मूसेवाला नू एक चक्कर व्यू बना के घेरन का उपराला चल रहा सी कंसल्टेड एफर्ट चल रहा सी। सूत्रधार कौन सी वो लभण की जरूरत है। सो सचिन बिश्नोई दे इन्हां खुलातिया ने एक बारी फिर वो पटारी खोलती है मरारी दी सप वाली पटारी वांगू वो। लेकिन सप कदों निकलूगा बाहर वो इंतजार करनी पेगी निकलूगा जरूर अज नहीं तो कल। इहोजियां गल्लां कितें बहुता लंबा समा चिपके नहीं रह सकदियां। खैर अल्टीमेटली ये लोग कामयाब हो गए। मोहाली भागो माजरे का टूरनामेंट फलॉप करने लई हर कोशिश की गई रुकवाण की नहीं होया। बिना लाउडस्पीकर तो गाना नहीं गाया जा सकता पर वो बंदे भी चंगे निकले क्योंकि क्रिमिनल नहीं सी और सीधे साधे किसान पिंड के लोग से रिस्पैक्टेबल लोग से। सो वो पोस्टर तुसी इहदे नाल मैं नाल चला रहा तुसी कई बार देख लिया होना उहदे नाल तो उन्हें होर तस्वीर दिखाने जिहड़े लोग ये कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाले की मिंडूखेड़े नाल बनती नहीं सी वो गोल्डी गैंग के खिलाफ सी। तुहानू तस्वीर दिखाने जिहड़ी सैक्टर 9 च सिद्धू मूसेवाले की और मिंडूखेड़े के नाल सारे उहदे यार दोस्त ये 9 सैक्टर की मार्केट की तस्वीर है और वो मार्केट जिहड़ी वो कोठी नंबर जरा 9 सैक्टर कोठी जिते सारे रहते थे बिडूखेड़ा लॉर्ड्स बिश्नोई का पूरा गैंग जितों इन्हों के पूरे ऑपरेशन चलते थे 21 नंबर कोठी है शायद 9 सैक्टर कॉर्नर से। उस कोठी जो सारे ठहरे थे तो सिद्धू मूसेवाला उन्होंने उत्थे मिलन जाता जा उन्होंने बुलाया उस तो बाद कोठी निकल के रोड क्रॉस करके सामने मार्केट है उत्थे खड़ के ना सारे ने फोटोआं खिंचाइया हुई वो तस्वीर भी तुहाडे नाल सांझी करदे आ। मेरे ख्याल साडे एडिटर ने तुहानू दिखा भी दित्ती होनी आ नाल नाल मैं कहा सी उन्हां नू चलाउण लई। सो ये 2 तस्वीरां तुसीं अज देखो ध्यान नाल। वो जिहड़ी पोस्टर वाली तस्वीर है भागो माजरे दे कबड्डी टूरनामेंट दी वो भी मैं तुहानू दिखा रहा और न्यूज़पेपर दी कटिंग है अखबार खबर छपी सी जिहदे ते सारा वृतांत भी हैगा कि ये कबड्डी का टूरनामेंट रुकवाण की कोशिशां हुई पर टूरनामेंट हो गया होया। इस करके जिहड़ा इन्हां नूं शक सी कि इत्थे गोलियां चलणगियां जिवें नवें शहर चलिया सी खून खराबा होगा लैंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन लोकल पुलिस ने बहुत तकड़ा बंदोबस्त रख्या होया उन्होंने सामने नवा शहर का इंसीडेंट ताज़ा सी उन्होंने चंगा बंदोबस्त रख्या सी और चंगी खासी पुलिस फोर्स लाई थी सीनियर अफसर भी हाजिर सी और शांति नाल टूरनामेंट हो गया। पर सिद्धू रोकया गया पर वो रुकया नहीं ये तो आखिरी जाते जाते 2 गल्लां होर करांगे। इस पूरे वृतांत तो जो सचिन बिश्नोई ने दिता कि लॉरेंस बिश्नोई ने गाल कढ़ी
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ ਅਜਮੇਰ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਗਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਅਣਖੀਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਣਖੀਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇੱਕ ਮਰਦਊਪੁਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।